बुलंदशहर के सिकंदराबाद निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मचारी की ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की जांच रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि किए जाने का दावा किया जा रहा है। सिकंदराबाद स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना संक्रमित मृतक की कॉलोनी को सील कर घर घर थर्मल स्क्रीनिंग कराने का दावा भी कर रहा है, मगर बड़ा सवाल ये है कि घर में रहने वाले 71 साल के रिटायर्ड बैंक कर्मी आखिर कोरोना संक्रमित हुए तो कैसे। आपको बता दें कि कोरोना से बुलंदशहर निवासी ये दूसरे व्यक्ति की मौत की खबर है। इससे पहले शिकारपुर निवासी प्राइवेट डॉक्टर की भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोरोना से मौत हो चुकी है। ये तस्वीर है सिकंदराबाद निवासी 71 वर्षीय रिटायर्ड बैंक कर्मचारी दिनेश कुमार मित्तल की, जिनकी कल ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में कोरोना के चलते मौत हो गई। दिनेश कुमार मित्तल को दो दिन पहले लूज मोशन व सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद उन्हें ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कल शाम को दिनेश कुमार मित्तल की इलाज के दौरान मौत हो गई। जांच में दिनेश मित्तल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद नोएडा प्रशासन द्वारा इसकी इतला बुलंदशहर प्रशासन को दी गई। सूचना के बाद सिकंदराबाद CHC प्रभारी ने कॉलोनी को सील करते हुए इलाके को सैनिटाइज कराए जाने का दावा किया है। इसके साथ ही कॉलोनी के सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है जी, जिस हिसाब से मैंने अपने आप को अंदर कर रखा था, कमरे में बंद थे, और इस हिसाब से हमें मोहल्ले में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ना कोरोना हो सकता है। और सबसे ज़्यादा ही अपने आप को सेफ करके रखते थे, मास्क लगा के घर से बाहर ना निकलना, जो भी सामान लेना उसको धोना, ये सारी चीज़ से इन्होंने अपने आप को कवर कर रखा था। इनकी जो तबीयत का खराब होने का जो टाइम है जी, वो 1 वीक के अंदर के समथिंग आ रहा है जी। इनको फिर सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, फिर इन्होंने कोई यहाँ से डॉक्टर कंपाउंडर साहब आए थे, इंजेक्शन लगाया। उसके बाद फिर इन्होंने, इनकी बेटी रहती है नोएडा, उनको बातचीत करी है। बातचीत करने के बाद उन्होंने एम्बुलेंस भेजी है सिकंदराबाद में जी। फिर वो उसमें बैठ के जा चुके थे। उसकी रिपोर्ट तैयार, कोरोना की टेस्ट हुआ, वहाँ से वो पॉजिटिव मिल गई है। ये है कि यहाँ पर जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट और हाई और लो क्लोज कॉन्टैक्ट, हाई रिस्क और लो रिस्क हैं, तो उनकी दोबारा सैंपलिंग कराई जाएगी। संक्रमण के लिए उनको उन्होंने जो हिस्ट्री जो मुझे अभी तक प्राप्त हुई है, वो उसमें ये सडन उनको एकदम लूज मोशन हुए हैं, और पुरानी हिस्ट्री शायद लंग्स की इन्होंने बताई है, मतलब मालूम चला है। तो और 71 और 72 के आसपास थी इनकी, तो संक्रमित हो सकते थे। गौरतलब है कि बुलंदशहर में अब तक कोरोना के 95 मामले सामने आ चुके हैं। पीड़ितों में 60 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि शिकारपुर निवासी एक प्राइवेट डॉक्टर समेत अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 हो चुकी है। फिलहाल बुलंदशहर में कोरोना के 33 मरीज एक्टिव हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शाकिर मलिक, Time 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।